तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज का वीडियो ये 45 सेंट नेट टैंक के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये मेरा 45 सेंटीमीटर नेचर एक्वेरियम जहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक ऐसा ब्लेस से देखेंगे यहाँ से पीछे, तो यहाँ पे भी पूरा पीछे नेचर ही है, ठीक है। और ऐसा आता है और पीछे मैंने यहाँ पे ये पूरा आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो मैंने मतलब दूसरा हम देखेंगे ना, तो ये मतलब जो है ये पूरा ऐसा डेजर्ट टाइप दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसा आई भी आता है, और ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कनेक्ट भी हो रहा है। और बीच में एक गणेश क्रिस्टल गणेश टाइप फेस क्रिएट करने का ट्राई किया है, ठीक है, जिसके चारों साइड मतलब ऐसे सर डेजर्ट जैसा दिखाया गया है, ठीक है। ये भी अंडर द वाटर मतलब कैसा हो सकता है वो दिखाने के लिए ट्राई की है, ठीक है। और दूसरा इसमें यहाँ पे एक ट्री जैसा दिखा है जिसमें अपना मॉस उगाया हुआ है, ठीक है। और ये पूरा मतलब नेचर क्या बोलते हैं, और यहाँ पे हनुमान जी भी है, ठीक है, वो जो फ्लाइंग करते हुए ये लेके आते हैं, इसका होता है संजीवनी लेके आते हुए। और यहाँ पे मिस्ट्री स्नेल्स के बेबीज है, वो जो मैंने बोला ना आपको कि वो अलग अलग 45 सेंटीमीटर टैंक में भी है, वो ये मिस्ट्री स्नेल्स के बेबीज हैं। और ये इससे ऐसा हो जाता है थोड़े दिन में, मतलब कितने दिन में होता है वो कभी ये नहीं किया मैंने, मगर वो हो जाता है, ठीक है। और ये RO7, और बैकग्राउंड में भी इसके पेंटिंग है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। इसके बैक ये साइड व्यू है, ठीक है, ये साइड व्यू से। अभी एक मेरा फ्रेंड आया था रिसेंटली, और 12th का फ्रेंड, तो उसे यहाँ से कुछ मैंग्रोव्स टाइप दिख रहा था, बोल रहा था मुझे कि ये मैंग्रोव्स है क्या, तो पता नहीं उसने शायद से ऐसा कुछ देखा होगा जो मैंने नहीं देखा है अभी तक मैंग्रोव साइड पे, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। देखिए ये, और यहाँ पे पीछे ये पूरा आर्ट वर्क किया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है। वो अगर इसके पहले के वीडियो आपने देखे रहेंगे ना, ये टैंक के देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा उसका जो किया हुआ है वो पूरा दिखाया हुआ है उसमें, ठीक है। और यहाँ से ऐसा एक टेबल वॉच रखा है साइड में, ये अपना कुंग फू पांडा, और यहाँ पे मिक्की माउस है, और यहाँ पे भी एक आर्ट वर्क किया हुआ है डेजर्ट में, सब बाहर डेजर्ट का ये किया और पीछे आर्ट वर्क किया, ठीक है। और इसमें एक गप्पी भी है, और ये जो पूरा है देखेंगे दूसरे तो मतलब कैसा है ना, कि मतलब जो पूरा ऐसा नीचे डेजर्ट है, और डेजर्ट में मतलब प्लांट्स यहाँ पे अभी एक मैंने वो जो अपना एक कंटेस्ट टैंक का जो ट्रिमिंग किया था उसका थोड़ा प्लांट यहाँ पे पीछे डाला हुआ है साइड में स्पंज के, ठीक है। और ये स्पंज रखा है एज अ बेने फॉर अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया टू ग्रो इन, ठीक है। वो मेरे पॉन्ड में रखा था, और पॉन्ड में से यहाँ पे आया है वापस, दो था उसमें तो एक यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया है। और देखो ये भी इसका यहाँ पे ऐसा पॉइंट करता है, ठीक है। ये और एक बैटमैन वाला ब्रश है, ठीक है, मुझे ऐसे ब्रश बहुत पसंद है, अलग अलग बैटमैन ये वो, ओके। और हाँ दूसरा ये पूरा एनुबियस है, ठीक है, इसको ऐसा ऐसा फ्लोट फ्लोट किया हुआ है, और अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली डिज़ाइन ले रहा है, ठीक है। और अपना ये जो मिस्ट्री स्नेल है वो इसका थोड़ा ये मनी प्लांट, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो प्लांट प्रेफर करता है
खाने के लिए तो खाता है कोई कोई, और कुछ अच्छा ग्रो हो रहा है, ठीक है। और इस पे भी बूढ़ पे भी ये जो बूढ़ है ये तुलसी वाला बूढ़ है, जो मेरे एक प्लांट था तुलसी का वो पूरा ड्राई आउट हो गया था, ठीक है। तो उसका पूरा ये जो जो डहली रहते हैं ना ब्रांच, वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और इस पे मैंने मॉस ग्रो करने के लिए, देखो मॉस ग्रो हो रहा है, टच किया था, वो धीरे धीरे ग्रो होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे साइड में ऐसा केव भी बनाया हुआ है, और यहाँ पे त्रिशूल है, ठीक है, डमरू वाला, और यहाँ पे अंदर केव है, ओके। और यहाँ पे फिश अंदर भी प्रिफर करती है जाने का, ये जो क्रिस्टल गणपति है उसके अंदर। और हाँ, और दूसरा कैसा है ना कि ये स्केप में मतलब मोस्टली जब भी मैंने मतलब नीचे कारपेट बनाने के ऐसे ट्राई किए थे ना, तो मोस्टली कारपेट ड्राई हो जाता है, मतलब डेजर्ट ही बन जाता है एट द एंड। तो इसमें भी डेजर्ट ही ऐसा बन गया है पूरा। और इसमें कैसा है, डेजर्ट में अपना अलग अलग ऐसा स्टेजेस में प्लांट उगे हुए हैं हवा में, ऐसा बोल सकते हो। और ये ट्री है, और ये जो ब्लूइश इफेक्ट वो सब आ रहा है, वो जो पीछे मेरा वो पॉइंट का लाइट है उसका लाइट का इफेक्ट है, ठीक है, ब्लूइश कलर वाला। और ये भी जो ये फ़ोटो पे भी जो ये लाइंस ऑटोमेटिकली फ़ोटो पे आई हैं, जो मैंने ये हाईलाइट किए हैं, ठीक है, आप जैसे देख रहे हो, ओके। और ये इसका जो वीडियो है वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब गाने के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वी हार्ट भी, वो थोड़ा पर्सनल है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे, हाँ ये लाइट यूज़ की है, रिम लाइट मैंने, अगर हाँ, और रिम लाइट भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर का टैंक है तो आप रिम लाइट भी प्रेफर कर सकते हो, कि मतलब ऐसा कैसा लगता है ना कि ऐसा अपना एंजल वगैरह कैसा रहता है, उसके ऊपर ऐसा राउंड लाइट रहता है वैसा दिखता है, अगर आप टैंक में ऐसा रखोगे तो, और अच्छा भी है, ठीक है। और इसमें भी आपको 3 कलर मिल जाते हैं, मतलब वाइट येलो और वाइट येलो मिक्स करके, और भी अलग अलग आते हैं, जैसे मार्केट में जो अवेलेबल रहेगा वो किसके हिसाब से आप ले सकते हो। और ये मेरा वो जो नीचे मैंने लाइट आपको दिखाया उसका रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, ये फ्लाइंग कार है। और ये है, ये स्पिनर है, मगर इसको अभी कैसा डिज़ाइन कर दिया है कि यहाँ पे पूरा ऐसा अलग अलग ज्वाला बीच में और एक ज्वाला फायर इन शॉर्ट। और कैसा है ना, यहाँ से ऐसा वे बनाने की ट्राई की है, देखो यहाँ से ऐसा देखेंगे तो यहाँ से ऐसा वे बना के यहाँ पे ऐसा आके यहाँ पे ट्री है, कि यहाँ से यहाँ तक जाके यहाँ पे ट्री है, और यहाँ पे एक ब्रांच वुड है, ठीक है, वो यहाँ पे RO7। और यहाँ पे भी एक वुड है जो ऐसा वी वी शेप वाला है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हेड टाइप का है दिखेंगे तो, यहाँ पे ऐसा ट्राइंगलर बनता है, तो इसका नाम मैंने रखा था कि क्या मैचेस ना, क्या रखा था इसका नाम, एक मिनट ना, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन, अच्छा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो इसका नाम रखा था मैंने मैजेस्टिक डेजर्ट, जिसमें अभी बहुत सारे प्लांट्स वगैरह अच्छे ग्रो हो रहे हैं। लाइक नीचे लैंडस्केप में डेजर्ट ही है, मगर ऊपर अराउंड फुल प्लांट्स एंड इन ऑल, ठीक है। तो आज के वीडियो में
यही आपको बताना था मेरे 45 सेंटीमीटर नेचर एक्वेरियम के बारे में। ठीक है, ये भी फुल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इसका भी अलग अलग देखोगे तो यहाँ पे भी देखो कैसा ऐसा फेस सब बन रहा है ना, लाफिंग। तो ऐसा कुछ अगर आपको बनवाना है तो उसके लिए भी आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर से, मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9892822823। ठीक है, विशाल परमार, और विशाल विदाउट आई, अपना सभी फेसबुक मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, और @OM PARMARVSHL ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में अगर आप ए फ्री स्टाइल आर्टिस्ट डाल के गूगल करेंगे तो आपको गूगल मैप्स पे भी रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब अगर गूगल करेंगे तो आपको लोकेशन वाइज भी पता चल जाएगा, और उसमें भी फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह आप अगर आप गूगल प्रिफर करते हो देखने के लिए तो भी आप देख सकते हो, और लेजिट है या नहीं वो देखने के लिए भी, कि आर्टिस्ट लेजिट है या नहीं वो देखने के लिए भी आप देख सकते हो। वो उसमें मेरा करंट एड्रेस है और कुछ नहीं। ठीक है, कि उसमें दिखाएगा आपको आर्टिस्ट इन मुंबई और करंट एड्रेस डाला हुआ है उसमें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने बोलिए, और ऑर्डर करते रहिए। अगर आपको ऐसा कुछ नेचर एक्वेरियम स्टार्ट आर्ट कुछ बनाना है, इको सिस्टम वगैरह बनाना है, और ये हाँ ये भी ज़ीरो फीडिंग नेचर मतलब इको सिस्टम है। ठीक है, और ये पूरा जिसमें ये अपना अनुबियास है, मनी प्लांट इसको बोलते हैं लोकल में, तो वो भी अपना पूरा मेरा होम मतलब जो मैंने लाया था उसमें ग्रो हुआ था अच्छा, तो वो यहाँ पे यूज़ किया है, जो पॉन्ड में यूज़ किया था उस सेम प्लांट से यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो भी अवेलेबल मटेरियल्स रहते हैं उसके यूज़ से मैं जो बोलता हूँ कि मैं बनाता हूँ उसका भी, और एक ये एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर नेचर एक्वेरियम। तो ऑर्डर करते रहिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव, नहीं पर जय भारत, जय हिंद, जय गुजरात, और जय मुंबई, और हर हर जय माता दी, लेट्स रॉक, और हर 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 महादेव, SS साई राम, और टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, और सी यू सून। और हाँ, और ये दिखाना था आपको कि यहाँ पे ये एक ऐसा शील्ड है रखा हुआ, और यहाँ पे मेरा मंकी है चालूड का, ठीक है, जिसको मैं ऐसा हाथ में ऐसा बांध के घूमता था, और यहाँ पे एक ड्रैगन वाला मेरा हेड है। ठीक है, इसका थोड़ा मैंने ये किया है मेकओवर, और यहाँ पे बाजू में दूसरा और एक है कैप दो। ठीक है, तो यही आपको बताना था और कुछ नहीं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सी यू सून। ठीक है। और हाँ, दूसरा एक और एक चीज़ भी बताना था कि यहाँ पे भी देखोगे ना तो आपको यहाँ पे भी एक फेस ऐसा दिखने मिलता है, ठीक है, ऐसा स्पैरो टाइप या ऐसा, मतलब ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा जाके यहाँ पे ये यहाँ पे ऑक्स, और यहाँ पे अंदर ये शिवलिंग जैसा भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे स्पंज का, और यही है। ठीक है,